नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के जम्मू एंड कश्मीर और पीओके को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल भारत ने जम्मू और कश्मीर में अपनी वायुसेना उतार दी है और आज वायुसेना की लड़ाके जम्मू कश्मीर में दहाड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी यह जानते होंगे कि बीते कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र की कई सारी बैठकें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत को बहुत सारी खरी खोटी सुनाई है, जिसके जवाब में आज भारत की वायुसेना जम्मू कश्मीर में दहाड़ रही है और इससे पाकिस्तान की सिट्टी पुट्टी गुल हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार अपने 75वें आजादी के दिवस को अमृत उत्सव के रूप में मना रही है और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में अपना दमखम दिखाया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की जो ऐतिहासिक डल झील है, उसके ऊपर से इंडियन फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और इसमें वायुसेना अपने शक्ति प्रदर्शन को दुनिया भर के सामने प्रदर्शित कर रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई है, जिसको लेकर कश्मीर की जनता थोड़ी सी मायूस हो चुकी थी और कश्मीर की जनता में फिर से देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपना शक्ति प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक झील डल झील पर से कर रही है। और यदि यहां पर विमानों की बात करें तो भारत के राफेल, MiG-29 और इसके अलावा जैगवार जैसे शक्तिशाली विमान इस एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं और पूरी दुनिया को अपनी पावर का संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान को साफ साफ चुनौती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत ही अपने संविधान के अनुसार यहाँ पर शासन की व्यवस्था करेगा और जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक हैं उनके जीवन को और सुखमय और सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन जैसे दोगले देशों को संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दो टूक जवाब दिया था कि भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर किसी भी देश और संगठन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। बाकी आप सभी की इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।